नमस्कार, द वॉइस के दोपहर 3:15 के रेडियो बुलेटिन में आपका स्वागत है और आप सुन रहे हैं खबरें अश्विन सोलंकी से। हाल ही में वायु प्रदूषण पर एक वैश्विक अध्ययन प्रकाशित हुआ है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017 में वायु प्रदूषण की वजह से पूरी दुनिया में लगभग 50 लाख लोगों की जान चली गई। इन 50 लाख लोगों में से आधे लोग सिर्फ चीन और भारत में मारे गए, यानी भारत और चीन में करीब 12-12 लाख लोग मारे गए। यह आंकड़े डराने वाले हैं। इतने लोग कुपोषण और कई पहचाने जाने वाले रिस्क फैक्टर से भी नहीं मारे जाते। I used to see mostly pink lungs and I would see black lungs in smokers, but today it's a rarity to see a pink lung. Even in teenagers, I'm finding black deposits on the lungs. If you are born in Delhi today, from day one of your life, you are exposed to pollution. So by the time you reach 35 age, you are already exposed to pollution for 35 years. So that's the amount of time it needs for these cancer-causing agents to cause cancer. The problem with pollution is it doesn't kill you immediately. Unlike dengue fever, it occurs today, you have a problem, 3 days later you die. Pollution kills you slowly. It's not Delhi-specific problem. You know, the whole attention is focused at Delhi because it happens to be the capital city, but 17 of the 20 of world's most polluted cities happen to be in India. वायु के वैश्विक हालातों पर यह रिपोर्ट बोस्टन आधारित हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट की ओर से जारी की गई है। रिपोर्ट सिर्फ यह ही नहीं कहती कि कितने लोग मारे गए हैं, बल्कि यह भी बताती है कि एक इंसान की औसतन उम्र इस वायु प्रदूषण की वजह से कितनी कम होती है। इस रिपोर्ट की माने तो वायु प्रदूषण की वजह से एक आदमी की उम्र करीब 20 महीने कम हो जाती है, यानी आप भले ही मारे नहीं जा रहे हैं लेकिन आप ज़्यादा जी भी नहीं रहे हैं। इस रिपोर्ट में अलग से यह भी बताया गया है कि सिर्फ हानिकारक कण PM2.5 की वजह से कितने लोग मारे जाते हैं। इस कण की वजह से आदमी की औसतन उम्र करीब 1 साल कम हो जाती है और घरेलू प्रदूषण से उम्र पर करीब 9 महीनों का फर्क पड़ता है। पूरी दुनिया में जाना जाने वाला विवादों का विषय ओजोन लेयर विघटन इस रिपोर्ट में कुछ ज़्यादा उम्र कम नहीं कर पाया। इस रिपोर्ट के अनुसार ओजोन लेयर विघटन की वजह से इंसान की औसतन उम्र 1 महीने कम होती है। 2.5 and it is a carcinogen and our body cannot filter anything under 2.5 microns, so this goes directly into our lungs and then onto our bloodstream. Currently the concentration is 466, 46 times over the safe level. Anybody breathing in this concentration of PM2.5 is essentially smoking about 30 to 40 cigarettes a day. I always talk about it as chemical warfare. I don't even describe it as air pollution because that's what it is. इसके अलावा 2018 में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में वायु प्रदूषण की वजह से 1 लाख व्यक्तियों में मरने वालों की दर सबसे ज़्यादा है। राजस्थान में करीब 1 लाख लोगों में से 112.5 लोग प्रदूषण से प्रभावित रहे हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश 111.1 और उत्तराखंड 106.4 के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे हैं। यानी राजस्थान उत्तराखंड जैसे कम सघन आबादी वाले राज्य भी प्रदूषण से उतने ही पीड़ित हैं जितने की घनी आबादी वाले क्षेत्र। इससे यह पता लगता है कि वायु प्रदूषण एक पैन इंडिया प्रॉब्लम है। यू नो पब्लिक सर्विसेज आर सो पैथेटिक, यू नो लाइक रोड्स आर पैथेटिक एंड द लेक्स एंड द पार्क्स एंड यू नो बट द फ्यू हु डू हैव द मनी काइंड ऑफ corner it on their own by paying privately for, you know, as I mentioned, for private security, for private transport, private, you know, water supply, etc., etc. And so I'm kind of motivated by having things like this become available to all eventually. नमस्कार, आप सुन रहे थे द वॉइस का 53वां अंक। जल्द हाजिर होंगे द वॉइस के 54वें अंक के साथ। धन्यवाद।